नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। तो देखिए, बड़ी खबर यहां पे कुंडा से आ रही है। जी हां, राजा भैया के गढ़ से आ रही है। देखिए, कुंडा तहसील में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह, यानी कि राजा उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठ गए हैं। जी हां, उन्होंने धरने पर बैठे हुए 20 घंटे हो चुके हैं और उन्होंने खुलेआम देखिए यहाँ पे सरकार को, यानी कि जो उनका जिला है, अपने ही बेटे को खुलेआम धमकी दे दी है। जी हां, पूरा का पूरा मामला जानते हैं। पहले उनसे सुनिए, राजा भैया के जो पिता ने जो बयान दिया है वो सुनिए पहले। महाराज जी, आज किस बात को लेकर आप धरने पर बैठे? पूरा मामला ये है कि पूरे मुहर्रम भर 15 दिन 10 दिन पहले ही से सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें पता नहीं उनकी भाषा में क्या क्या लिखा है और हिंदुओं को बाध करा जाता कि उसके नीचे से जाइए आप। ये तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करा जा रहा है और इसकी हम FIR भी कर सकते हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के FIR भी कर सकते हैं, मगर पूरा जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन एक्शन हिंदुओं के पक्ष में कभी लेता नहीं जल्दी, इसलिए हमको धरना बैठना। इस पर PWD ने कोई कार्रवाई नहीं करी? PWD को करना था, हर साल क्यों लगने देती है? PWD भी कुछ नहीं करती। आपने ट्वीट किया था इसको, इस पर प्रशासन ने या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं। तो अब मांग क्या है महाराज? अब मांग है कि वो हटाया, अवैध चीज़ें हटाया जाए, हमारी धार्मिक भावना को ठेस लग रही है, क्यों जाएं उसके नीचे भैया? तो जब तक वो हटेगा नहीं आप धरने पर रहेंगे? हम तो बैठे हुए हैं, अब आगे देखिए क्या। आज तो हम बैठे ही हूँ और हमारी योजना तो यही है कि हटाया जाए तब हम हटेंगे। तो देखा कैसे यहाँ पे जो राजा भैया के पिता है वो साफ साफ बात कर रहे हैं मस्जिद नुमा गेट की। जी हाँ, पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे राजा उदय प्रताप सिंह, यानी कि जो राजा भैया के पिता है, वो काफी टाइम से इस जो पूरा का पूरा जो मामला है उसमें काफी टाइम से उलझे पड़े हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मामला क्या है, मामला ये है कि जो उनके कुंडा विधानसभा है उसमें मुहर्रम के टाइम पे जब गांव जो कुंडा में जब एंट्री करते जो रोड है तो वहां पे हर टाइम, यानी कि हर साल मुहर्रम के टाइम पर एक मस्जिद नुमा गेट बना दिया जाता है। अब उसके ओपोजिशन में, यानी कि अगर बात करो तो उसके विपक्ष में जो राजा उदय प्रताप सिंह है, यानी कि राजा भैया का पिता है, वो लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि ये मस्जिद नुमा गेट आखिर क्यों बनाया जाता है और बार बार ये सवाल उठाते हैं कि जो हिंदुओं को जबरदस्ती उस गेट के अंदर से घुसाड़ा जाता है, यानी कि उनसे ही गुजरना पड़ता है और कोई जगह है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता और वहां पे भी देखिए मस्जिद नुमा गेट वो बना दिया जाता है। और वो भी ये बोला है उन्होंने बयान में, अपने बयान में ये बोला है कि जो गेट बनाया जाता है वो गैर कानूनी है। जी हाँ, किसी भी कानून में नहीं आता, क्योंकि अगर PWD की बात करें तो राजा भैया के पिता ने साफ साफ बोल दिया कि PWD ने आज तक, यानी कि इतने साल से जब वो गेट बन रहा है, हर साल बनता है, तो आज तक PWD ने कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं करी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और अब देखिए कि बड़ी बात इसमें यह है कि जो जिस तहसील में वो बैठे हैं वो तहसील कुंडा की तहसील है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजा भैया के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि अपने ही बेटे की सरकार के खिलाफ, जो इस वक्त तो देखिए अगर सरकार की बात करें तो कुंडा में सरकार, यानी कि वो विधायक वहां पे राजा भैया है तो सरकार उन्हीं की चल रही है कुंडा में, तो इसलिए देखिए कि पूरे यहाँ पे अपने बेटे के खिलाफ ही, यहाँ पे जो उदय प्रताप सिंह है, यानी कि राजा उदय प्रताप सिंह है, तो वो अपने बेटे के खिलाफ यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच देखे कि वहां पे जो कुंडा के विधायक हो, माफ कीजिए, कुंडा के जो DM है और SP है, वो उनसे मिलने आए थे, रात्रि भोज भी हुआ था, लेकिन एक घंटे की बातचीत के बाद भी कोई भी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि राजा उदय प्रताप सिंह वहां से हट रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अपने बेटे के खिलाफ ही देखिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक वो गेट, जो मस्जिद नुमा गेट है, वहां से हट नहीं जाता है। तो लगातार देखिए कि यहाँ पे जो राजा भैया भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ के जब उन्होंने धरने पर बैठने से वो जा रहे थे तो उनसे पहले ही देखिए राजा भैया ने अपने पिता से बात की थी इसमें, लेकिन उनके पिता ने कोई ऐसी बात मानी नहीं उनकी और देखिए 20 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और वो धरना अभी भी चल रहा है। बहरहाल आप हमें एक बताइए कि यहाँ पे जो बाप बेटे की जो लड़ाई हो, क्या ज्यादा थोड़ा सा घातक रूप ले सकती है? क्या जो राजा भैया के पिता हैं वो क्या और ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे कुंडा में अशांति फैल सके? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।